ये फर्स्ट टाइम इंडिया ने दोनों गोल्ड मेडल जीते और टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है वो बहुत ही बढ़िया था मतलब 22 में से 21 पॉइंट बॉयज़ ने और 22 में से 19 पॉइंट गर्ल्स ने सो so, टोटल 44 में से 40 पॉइंट हमने लिए इतना बड़ा बढ़िया प्रदर्शन आज तक पहले कभी नहीं हुआ कभी नहीं वहां पर क्या माहौल था पहली बार हम जीते सब लोग हमारे लिए भी खुश हो गए बहुत क्योंकि हमने इतना खुशी मनाया तो सबने एक्चुअली हर, हर अपोनेंट्स ने भी आके हमें बधाई दी और हमारे लिए एक्चुअली खुश हो गए इवन अवर अपोनेंट्स ऑल्सो सर हमने देखा है की लास्ट कुछ सालों में बहुत सारे जो स्पेक्टेटर्स है वो बहुत रूट कर रहे थे कि दूर दूर से वहाँ पे सिर्फ देखने आए थे ये मैच को जो पहले मेरे हिसाब से इतना नहीं होता था तो आई थिंक चेस की भी काफ़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई तो हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि रूट कर रहे हैं थोड़ा प्रेशर भी होता था बट इतना हमें सपोर्ट कर रहे वो एक अच्छा फीलिंग था और जब हम जीते तब इंडिया इंडिया ऐसे सब इसे रूट पारी 180 कर रहे इस बार ही हंड्रेड एंड एट्टी कंट्रीज पार्टिसिपेट करी थी बल्कि जब चेन्नई में ओलंपिया हुआ था हम बहुत इंडिया टीम हम ब्रॉन्ज जीते थे टीम का लास्ट मैच से हुआ था जो हम हार गए थे और हमारे हाथ से गोल चला गया था उस टाइम तो हम फिर से उनके साथ इंडिया को गोल्ड हरा इनको हराना ही है ड्रॉ में फिनिश हुआ बट द गोल्ड सर पर हम इस बार अपनी कंट्री के लिए जीत कर ही वापस आने वाले थे और, और कोई सेकेंड वे नहीं था ये मिजाज होता है तभी तो विजय मिलता है लेकिन जब इतने नंबर आ गए 22 में से 21 और 22 में से 19 तो बाकी खिलाड़ियों का या बाकी लोग जो इस खेल को ऑर्गेनाइज करते हैं उनका क्या रिएक्शन था सर आई थिंक गुकेश वांट्स टू आंसर दैट बट आई जस्ट वांट टू से वन थिंग कि उसमें हमने इतनी कन्विंसिंगली जीता स्पेशली ओपन टीम में ऐसे लग रहा था कि कोई पास भी नहीं आ सकता है mm. और हमारी वुमेन टीम में हम पहले सात मैचेस जीते गए फिर थोड़ा छोटा सा सेटबैक आया हमने रेजिलियंस दिखाई हम वापस आए पर हमारी ओपन टीम ने तो सर मतलब मैं क्या ही बताऊं आई थिंक गुकेश बीइंग ऑन बोर्ड वन वाज बेटर टू आंसर दैट पर वो भाग के ले गए या दिस एक्सपीरियंस वाज वाज रियली अ ग्रेट टीम एफर्ट एवरी एवरी सिंगल One of us was in like excellent form, and mm. we were all uh, super motiva motivated because in the 2022 Olympiad we were very close to winning the gold medal. But then there was one game which which uh, which I I had uh, played and I could have won, which would have guaranteed gold medal. I unfortunately, lost that game, and it was heartbreaking for everyone. So this time uh, we were all super motivated and.

ऐसे आ गया, आ गोला नहीं सर ऐसे नहीं आ गया तो। बहुत मेहनत किया है आई तो। थिंक सारे मेरे सारे टीम ने इवन ने बहुत हार्ड वर्क किया है टू फाइनली गेट टू द स्टेज मैंने देखा आप में से के पिता माता डॉक्टर है पेरेंट्स दोनों तो डॉक्टर है और मेरी बहन भी डॉक्टर है, है? तो जब मैं बचपन में उन्हें देखता था कि उनको कभी रात को दो बजे फोन आ गया पेशेंट का जाना पड़ता था मुझे लगा मैं जो करियर लूंगा थोड़ा और स्टेबल लूंगा पर <laughs> तो मुझे लगा नहीं था स्पोर्ट्स में और दौड़ना पड़ेगा हमेशा <laughs> <laughs> देखा है कि आप हर स्पोर्ट और हर स्पोर्ट पर्सन को इतना इनकरेज करते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं मुझे ऐसा लगता है कि आपका स्पोर्ट्स से बहुत बड़ा लगाव है हर एक स्पोर्ट से और मैं उसकी स्टोरी जानना चाहती हूँ ऐसा मैं आपको बताता हूँ मैं इतना समझता हूँ कि कोई देश विकसित बनता है तो सिर्फ खजाने से नहीं बनता है कि तो उसके पास कितने पैसे हैं कितने उद्योग हैं जीडीपी कितना इतने से नहीं बनता है हर फील्ड में वो दुनिया में महारत होनी चाहिए अगर फिल्म इंडस्ट्री है तो मैक्सिमम ओस्कार हमारे यहाँ कैसे आते हैं अगर साइंटिस्ट हैं या और किसी फील्ड में तो मैक्सिमम नोबेल हमारे पास कैसे आते हैं वैसे ही खेल में भी मैक्सिमम गोल्ड हमारे बच्चे कैसे लाए ये जब होता है इतने सारे वर्टिकल तब तो देश महान बनता है